Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योगा एजुकेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं. 1 ईयर का जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है, डिप्लोमा इन योगा साइंस, लास्ट डेट 2 अगस्त 2024 है, और एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त 2024 को इसके लिए होना है. तो इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सैंपल पेपर की इंफॉर्मेशन दूंगा. और ये जो सैंपल पेपर है, विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UTPG, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार और अदर यूनिवर्सिटीज, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं योगा और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. तो इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर. तो इनमें से वो स्टेट बताना है जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का. ऑप्शंस है उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक. करेक्ट आंसर है ऑप्शन है उड़ीसा. सो उड़ीसा इज द इंडियाज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर. उड़ीसा जो है इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर है. उड़ीसा स्टेट इज द इंडियाज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज. ए परसिस्टेंट फॉल, एक जो परसिस्टेंट फॉल होता है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, जो कि जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विस का सर्विसेज में जो एक परसिस्टेंट फॉल है उसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन है डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिप्रेशन. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डिफ्लेशन. सो अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज डिफ्लेशन. तो एक जो परसिस्टेंट फॉल है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में वो डिफ्लेशन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. टैबो मोनेस्ट्री कौन से स्टेट में लोकेटेड है. ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम. करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश. तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. टैबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट. तो जो टैबो मोनेस्ट्री है ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक करेक्ट सेट है, एक सही सेट है, टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस की टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए ऑप्शन है हिंदी एंड चाइनीज, अरेबिक एंड चाइनीज, जैपनीज एंड चाइनीज, हिंदी एंड फ्रेंच. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरेबिक एंड चाइनीज. सो अरेबिक एंड चाइनीज इज अ करेक्ट सेट ऑफ टू ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस की जो दो करेक्ट लैंग्वेजेस का यहाँ पे सेट है वो है अरेबिक एंड चाइनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू. जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की वो मोस्ट क्लोजली किससे सिमिलर है. ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं ब्रिटिश मोनार्क, US प्रेजिडेंट, रशियन प्रेजिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनार्क.
द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की वो सबसे ज्यादा सिमिलर है ब्रिटिश मोनार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द डेवलप कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स, इनमें से कौन सा कैनाल है इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट लिंक, जिसको कि एक इम्पॉर्टेंट लिंक माना जाता है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स, इनमें से कौन सा ऐसा कैनाल है जिसको कंसिडर्ड किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में है। ऑप्शन है पैनामा कैनाल, स्विज कैनाल, कील कैनाल, ग्रैंड कैनाल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्विज कैनाल। सो स्विज कैनाल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में स्विज कैनाल को एक इम्पॉर्टेंट लिंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, हाउ मेनी प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कितने ऐसे प्रेजिडेंट हैं अभी तक जो कि इलेक्टेड हुए हैं अनअपोज्ड, बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी विरोध के। ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। 2 प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, जो 2 प्रेजिडेंट अभी तक इंडिया के अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो किसने डिफाइन किया डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, प्लेटो, अरिस्टोटल, रस्किन। करेक्ट आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट है पीपल की, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा हीट का प्योरेस्ट कंडक्टर है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शंस के कंपैरिजन में। ऑप्शंस है सिल्वर, कॉपर, लेड, मरकरी। तो करेक्ट आंसर है लेड। लेड इज द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस। सिल्वर, कॉपर, लेड, मरकरी में से जो लेड है वो प्योरेस्ट कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है इंडिया का। ऑप्शंस है कथक, सत्रिया, मणिपुरी, भांगड़ा। तो करेक्ट आंसर है भांगड़ा। भांगड़ा इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भांगड़ा जो है इंडिया का क्लासिकल डांस नहीं है। कथक, सत्रिया, मणिपुरी ये इंडिया के क्लासिकल डांस हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होती है। ऑप्शन है 62 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 58 ईयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 62 ईयर्स। तो जो रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट जजेस की वो होती है 62 ईयर्स। 62 ईयर्स में हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, ओरिजिनली द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 60। तो पहले ये 60 ईयर्स पे फिक्स थी, बट इट वाज रेज्ड टू 62 इन 1963 अकॉर्डिंग टू द 15th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1963 में 15th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको 62 ईयर्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, फेमस पोएट कालिदास है वो किसके कोर्ट में रहते थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड। द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो फेमस पोएट है कालिदास, वो उनका जो पीरियड था वो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में रहते थे कोर्ट, उनके कोर्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन है, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो फेमस पोएट कालिदास है वो चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य में थे, कोर्ट में थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर थे गुप्ता एम्पायर के इंडिया में। एज रूल स्पेंड 380 to 415 CE, ड्यूरिंग विच द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स पीक। द
the period of prominence of Gupta dynasty is often referred to as the golden age of India. तो जो period है prominence का गुप्ता dynasty का इसको प्राय golden age of India का बोला जाता है. Next question है who discovered that malaria was caused by the female anopheles. तो किसने discover किया कि जो malaria है ये female anopheles से होता है. ऑप्शंस हैं लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस. रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड दैट मलेरिया वाज कॉज्ड बाय द फीमेल एनाफिलीज. रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि जो मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है. इसका एक्सप्लेनेशन है सर रोनाल्ड रॉस वाज द फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल लॉरेट. ऑन 20 अगस्त ही कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द malarial parasite inside the gut of mosquito which he originally identified as dappled wings which turned out to be species of the genus Anopheles. Next question hai which of the following monument is the oldest. Inme se kaun sa sabse purana monument hai. Options hai Qutub Minar, Khajuraho, Ajanta Caves, Taj Mahal. Correct answer hai Ajanta Caves. Ajanta Caves मोन्यूमेंट इज द ओल्डेस्ट. तो जो ओल्डेस्ट सबसे पुराना मोन्यूमेंट है वो है अजंता केव्स. इसका एक्सप्लेनेशन है द अजंता केव्स कंस्टिट्यूट एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड वर्शिप हॉल्स ऑफ डिफरेंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस कार्व्ड इनटू अ 250 फीट वॉल ऑफ रॉक. द केव्स ऑल्सो प्रेजेंट पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द पास्ट लिव्स एंड रिबर्थ्स ऑफ द बुद्ध पिक्टोरियल टेल्स फ्रॉम आर्यसुराज चटक कमला एज वेल एज रॉक कट स्कल्पचर ऑफ बुद्धिस्ट डाइटीज इन वोग बिटवीन द सेकेंड सेंचुरी बी सी एंड फिफ्थ सेंचुरी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर. इनमें से कौन सा एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है. ऑप्शन है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वोल्केनिक एक्सप्लोजन, फ्लड्स, अर्थक्वेक. तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वोल्केनिक एक्सप्लोजन, फ्लड्स, अर्थक्वेक में से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर. एक्सप्लेनेशन है अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज एन एक्सप्लोजन डेट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन. तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक एक्सप्लोजन है जो कि ऑकर होता है जो रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी होती है हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन से. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोड्यूस रेडिएशन एंड रेडियोएक्टिव डेबरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ नायब खुदा वाज. जो सुल्तान अपने आप को कहता था नायब खुदा वो कौन था. ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बलबन. द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ नायब ए खुदा जो सुल्तान अपने को नायब खुदा कहता था वो है बलबन. तो वो बलबन था. बलबन अपने आप को नायब ए खुदा कहता था. इसका एक्सप्लेनेशन है बलबन कॉल्ड हिमसेल्फ नायब ए खुदाई और डिप्यूटी ऑफ गॉड एंड इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट किंगशिप वाज वाइस रिजेंसी ऑफ गॉड ऑन अर्थ. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. तो किसने डिस्ट्रॉय किया था जो 40 नोबल्स का ग्रुप था. ऑप्शन है बहराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन. करेक्ट आंसर है बलबन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड. तो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी संगम पीरियड के लिटरेचर में. ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़. करेक्ट आंसर है तमिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी. जो एक्सपाउंडर है योगा फिलोसफी के वो कौन है. ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य. करेक्ट आंसर है पतंजलि. द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, योगा फिलोसफी के जो एक्सपाउंडर है वो है पतंजलि. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जोदारो इज ऑल्सो नोन एज. मोहन जोदारो को किसके रूप में जाना जाता है. ऑप्शन है माउंट ऑफ द ग्रेट, माउंट ऑफ द सर्वाइवर्स, माउंट ऑफ द लिविंग, माउंट ऑफ द डेड. तो माउंट ऑफ द डेड. मोहन जोदारो इज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ द डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी वाज रिटन बाय. कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है. ऑप्शन है कालिदास, कौतल्य, हर्ष, बाणभट्ट. सही उत्तर है बाणभट्ट. कादम्बरी वाज रिटन बाय बाणभट्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच. बुद्धा की जो प्रीच है उपदेश है वो कौन से लैंग्वेज में है. ऑप्शन है पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत. सही करेक्ट आंसर है पाली.
सो इन पाली लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच, बुद्धा के जो प्रीच है, उपदेश है, वो पाली लैंग्वेज में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, जो मुख्य व्यवसाय था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का वो क्या था. ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, हंटिंग, ट्रेड. करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कपाल सूत्र, कपाल सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है. ऑप्शंस है बंद्रबाहु, स्थल बंद्र, गोपाल, गौशाला. करेक्ट आंसर है बंद्रबाहु. सो बंद्रबाहु रोट द कपाल सूत्र. कपाल सूत्र जो है ये बंद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्ली एंशिएंट इंडिया द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर वाज, अर्ली एंशिएंट इंडिया, जो अर्ली एंशिएंट इंडिया में जो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर है, सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है वो कौन सा था. ऑप्शन है पाटलिपुत्र, टक्सिला, कौशाम्बी, कन्नौज. करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र. इन अर्ली एंशिएंट इंडिया, अर्ली एंशिएंट इंडिया में जो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर था वो था पाटलिपुत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत किसने करी, सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने जारी किए थे. ऑप्शन है इंडो ग्रीक, साखाज, पार्थियन, कुशांस. करेक्ट आंसर है कुशांस. तो कुशांस वाज द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स. गोल्ड कॉइन्स की सबसे पहले जो इश्यू किए गए वो कुशांस के द्वारा किए गए थे. तो यहाँ पे 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी, इंट्रेंस टेस्ट, यूटी पीजी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है. और जो कैंडिडेट विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.